हेलो फ्रेंड्स, मकई का दलिया सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, साथ ही ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम बनाएंगे मकई का दलिया। घर पर ही बनाएंगे मिक्सी की सहायता से और ये बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मकई के दानों को मैं यहाँ पे साफ़ कर लेती हूँ। इसमें अगर कुछ भी कंकड़ पत्थर या ख़राब दाने हैं, हम उसे चुनकर निकाल लेंगे। अब इसे मैं मिक्सी के जार में डालूंगी। यहाँ पे मैंने बड़ा वाला मिक्सी का जार इस्तेमाल किया है और इसमें शार्प वाला ब्लेड लगाया है। इन दानों को मैंने बारीक सा मिक्सी में पीस लिया है। ये देखिए, एकदम बारीक वाला दलिया मैं बना रही हूँ और बस इसे एक पतली वाली छलनी में डालकर इसे चाल लेंगे। और देखिए, दलिया के साथ साथ हमें मकई का आटा भी मिल जा रहा है, जो ठंडी में साग के साथ तो बहुत ही स्वादिष्ट इसकी रोटियां बनती हैं। तो देखिए, ये हमारा दलिया बिल्कुल तैयार हो गया है और ये हमारा मकई का आटा कितना फाइन आटा पीसकर तैयार हुआ है। इसकी रोटियां बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं। तो अब इससे मैं थोड़ा और चाल लेती हूँ ताकि इसमें जो भी आटा है वो निकल जाए। बिल्कुल तैयार है ये। अब इस दलिया को हम थोड़ा सा साफ़ करेंगे, क्योंकि जो मकई का जो ऊपर वाला छिलका होता है ये इसमें पिसकर इसमें रह जाता है। जो जब हम बनाएंगे इसका दलिया बनाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम इसे क्लीन करेंगे। यहाँ मैंने इसे सूप में डाल दिया है और इसे अब हम धीरे धीरे ऐसे हाथ से हिलाते हुए फटक लेंगे। हमारे हिंदी में और भोजपुरी में इसे फटकना बोलते हैं। फटक कर हम जो हल्का हल्का जो छिलका है वो हवा की जोर से वो बाहर निकल जाता है और जो हेवी वाला ग्रेन वो पीछे की तरफ रह जाता है। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से फटक लिया है। करीब 8 से 10 बार मैंने फटक लिया है और इसके आगे का जितना भी कचरा सामने आ रहा है मैं उसे निकालती चली जा रही हूँ। बस ऐसे ही करके ये सारे छिलके हम इसे निकाल लेंगे और ये हमारा दलिया तैयार है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।